1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया भी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला। बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे पीड़ित संत्रस्त होकर आते, वो शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी।